दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसर फैन के लिए। अगर आपका जो मदरबोर्ड है जैसे कि G31 चिपसेट हो गया या फिर आपका G41 हो गया, जिसमें जैसे जेब्रोनिस के दो मदरबोर्ड आते हैं G41 में, D2 D3 हो गया, या फिर जेब्रोनिस का जैसे G31 हो गया और जेब्रोनिस में G41 में भी D2S हो गया, D2S USB हो गया, तो जो उसका जो सॉकेट है ना, जो सॉकेट है वो LGA 775 है। जरूरी नहीं है कि आपको जेब्रोनिस के मदरबोर्ड भी लगाना है, कोई दूसरे मदरबोर्ड का जो ब्रांड है जैसे फॉर एग्जांपल सिमट्रॉनिक्स हो गया, एंटर का हो गया, फॉक्सिन हो गया, अगर उसका जो सॉकेट नंबर है 775, अगर आप उसके प्रोसेसर के लिए सीपीयू फैन लेना चाह रहे हो तो आप चाहो तो जेब्रोनिस का जो मॉडल आता है ना, जेब हाइफन अपना LGA 775, आई मीन टू से जेब्रोनिस का है और उसका मॉडल नंबर है जेब हाइफन LGA 775, ये आप बाय कर सकते हैं। और बाकी इसका जो रोटेशन है उसका बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छी है। इसमें मुझे एक प्लस पॉइंट क्या लगता है कि इसमें इन्होंने क्या किया, जेब्रोनिस वालों ने, जेब्रोनिस ब्रांड ने इसमें एक थर्मल ग्रीस भी दिया हुआ आपके प्रोसेसर के लिए, तो एक मुझे प्लस पॉइंट लगा। यानी कि अगर आप जब फैन अब पुराना फैन हटा के फेंक रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, नया लगा रहे होंगे उस टाइम पे, तो आप जो थर्मल ग्रीस है ना आप अपने प्रोसेसर के ऊपर लगा सकते हैं और फैन भी अटैच कर सकते हैं। और बाकी रहा और सवाल, रहा सवाल इसका जेब्रोनिक्स का, तो वैसे तो ये मास्टर कार्टून में आता है ये जो जो फैन आते हैं 50 क्वांटिटी में, बट एक मदरबोर्ड के लिए जैसे मैंने इसको पहले इसके लिए आपके लिए मैंने अनबॉक्स करके रखा हुआ है, तो ये मास्टर कार्टून होता है, इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो 50 फैन है, 50 फैन है। तो एक मैं निकाल लेता हूँ दिखाने के लिए आपके लिए। इसका जो फ्रेंड एमआरपी की बात करूंगा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो इंडिविजुअल है उसका जो एमआरपी है 349 रुपीज। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप देखो मेरे चैनल पे नए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे ऑल पे जरूर क्लिक करना, सो दैट जो भी लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइमली मिल पाए। और ये जो वीडियो है ना अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। तो बाकी ओवरऑल LGA 777 सॉकेट के लिए अगर आपको लेना है प्रोसेसर के लिए फैन, तो आप ये वाला सोच सकते हैं लेने के लिए। तो इसका लिंक जो होगा, मैंने बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, आप वहां पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको लिए ओपन करता हूँ, आइडिया रहेगा आपके लिए। और फ्रेंड मैं आपके लिए कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, आपको कैसे लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने आपके लिए स्किन थोड़ा सा अनबॉक्स किया है, इस प्रकार की थर्मल ग्रीस आती है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये कोई डॉक्यूमेंट टाइप का है। तो फिलहाल अपने लिए जो देखा जाए मैंडेटरी, या मतलब जो बेस्ट पार्ट जो देखा जाए मैंडेटरी, तो चलो बात की बात है, जो ये एक तो ये पार्ट आता है ये देखिए, बाकी ये स्मूथ काफी है, और ये देखिए हीट सिंक, आपको आइडिया लगा। तो मैं तो अपनी तरफ तो से कोशिश करता रहता हूँ आपके लिए कोई डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको प्रोसेसर लेना है, आई मीन टू से जो प्रोसेसर के लिए फैन की बात कर रहा हूँ, तो आप ये LGA 777 सॉकेट के लिए, तो आप ये वाला प्रोसेसर का के लिए फैन बाय कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करी तो आपको डेफिनेटली कुछ आइडिया लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन में जरूर क्लिक करिएगा और वीडियो जरूर शेयर करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरा पर्पस था थोड़ा बहुत आपको फैन से रिलेटेड जानकारी देना वो पूरा हो गया है, और वीडियो अच्छे लगे तो ये फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।